पानीपत के गांव चुलकाना के एक युवक को झगड़े में बीच बचाव करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब युवक को दूसरों के झगड़े में अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल युवक बीती 15 तारीख को नारायणा से शादी से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ रहे गांव किवाना में वह अपनी रिश्तेदारी में रखे बैग को लेने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही युवक घर पर पहुंचा तो गांव किवाना में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। युवक ने झगड़े में जैसे ही बीच बचाव किया तो एक पक्ष ने उस पर ही हमला बोल दिया और ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से इतनी पिटाई कर दी कि युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे असंतुष्ट होकर आज परिजन पानीपत लघु सचिवालय में एसपी से मिलने पहुंचे, जहां एसपी ने परिजनों से मुलाकात कर फिर से जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसे संतुष्ट होकर परिजन घर की तरफ पहुंचे। लेकिन परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल वह एसपी के आश्वासन से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने जाएंगे। वहीं मामले को लेकर डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि मामले में 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और अगर अन्य बीच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी दोबारा से जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले में फिर से जांच करके कब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद ये तो साफ है कि आज का वक्त भलाई का नहीं रहा, क्योंकि युवक ने तो बीच बचाव कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह इस भलाई के चक्कर में अपनी ही जान से हाथ धो बैठेगा। जी, मेरा लड़का शादी में जा रहा था 15 तारीख को नराड़ा गांव से आते हुए उसने एक कुवाना गांव में बैग रखा हुआ था, वो बैग उठाने के लिए तो आमने सामने वाले का झगड़ा चालू हो गया। उसमें उसने छुटछटाव करने की कोशिश की तो उसके साथ मतलब मारपिटाई हो गई, तो छुटछटा कर चलने लगा ना, जब ही 3-4 बंदे आए उन्होंने ईंटों से वार किया और लड़के को खींच के अंदर ले गए और लट्ठों से डंडों से पता नहीं मतलब जितना उनको हत्या कर दी उसे। दस आदमी थे उसमें मारने वाले। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई की भाई, 2 ही बंदे थे, रोशन एक सुंदर ने गोली भरी और उसने लठ मारा। 8 आदमियों को छोड़ दिया बिल्कुल, बोले 2 ही आदमी इसी चीज़ के लिए हमें एसपी के पास हुए। राजेश कुमार जी, एसपी साहब ने हमने आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि जो भी उसमें दोषी है उसको जो है ना नहीं बख्शा जाएगा और हमें एसपी साहब की बात पे विश्वास है। बाकी उन्होंने पूजा वशिष्ठ जो एसपी लगी है उनको टेलीफोन किया है, उनसे मिलने के लिए कहा है ताकि आपकी कार्रवाई ठीक, हमारी कार्रवाई ठीक हो उसके, अभी हम जाके उससे मिलेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है। जैसी भी सूचना होगी, जैसी भी बात होगी, अगर हमें लगा कि हमें न्याय मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवादी होंगे। बाकी एसपी साहब की बात पर हमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का, वो उन्होंने बिल्कुल जो है आश्वासन दिया है कि आप लोगों को जो है ना बिल्कुल कार्रवाई आपकी मजबूत तरीके से की जाएगी और दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर फिर भी अगर ढीला रवैया रहा प्रशासन का तो आगे किस तरह के? तो और जो ऊंचे अधिकारी बैठे हैं वहाँ जाएंगे अपनी फरियाद लेकर के, न्याय के लिए तो घूमेंगे ही। हेलो, इतना ही है मेरा, अपना नाम रामपाल चुलकाना है, चुलकाना गाँव है मेरे परिवार का, मेरा भाई है, भतीजा था हमारा जो गुजर गया, तो बड़ा दुख है उसके प्रति, युवा लड़का था, 22-23 साल उम्र थी। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।